आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। और रियल ये है एक्चुअली स्टैंडिंग ओवेशन आज के अवार्ड विजेताओं को है, हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। तो पहले वाला प्रैक्टिस था, ये रियल था। आज नेशनल साइंस डे पर आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि ये दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के रमन इफेक्ट के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। इसी उपलब्धि ने देश को विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल दिलाया था। मैं डॉक्टर रमन को श्रद्धांजलि देने के साथ ही विज्ञान दिवस पर आपको और पूरे वैज्ञानिक जगत को, विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है कि आप सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े अपने प्रयासों में सफल हो और इसका लाभ देश की जनता को मिल सके। आज शांति स्वरूप पटनागर पुरस्कार पाने वाले विजेताओं और उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है, हिंदुस्तान को गर्व है। मैंने परिवारजनों को भी विशेष बधाई इसलिए दी क्योंकि वैज्ञानिक लेबोरेटरी में जिंदगी खपाता है और इसलिए सबसे ज्यादा त्याग तपस्या परिवारजनों की होती है। आपके प्रयासों से, आपके कार्यों से देश और समाज को लाभ मिला है और ये कार्य ऐसे होते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ मिलता रहता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान नए भारत का रास्ता बने, इसके लिए इस प्रकार के पुरस्कारों और नेशनल साइंस डे जैसे आयोजनों की भूमिका बहुत अहम है।